आशा वाजपेयी ने अपने सहयोगियों के साथ वृद्धा आश्रम में किया मास्क व सैनिटाइजर का वितरण। खिले वृद्ध जनों के चेहरे का जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। अमेठी जिले के भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं अमेठी के लोकप्रिय सांसद स्मृति जुबिन ईरानी व अमेठी जिले के कुशल जिला अध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी की प्रेरणा से वृद्धाश्रम के महिलाओं को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण महिला मोर्चा के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष आशा वाजपेयी द्वारा किया गया। महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष द्वारा सभी वृद्धाश्रम के सभी बुजुर्ग व्यक्तियों का कुशल हालचाल लिया गया। आशा वाजपेयी ने कहा कि यह बेसिक महामारी अत्यंत ही खतरनाक है जिसके संक्रमण का खतरा वृद्धजनों को बच्चों को अधिक है, इसलिए ऐसी स्थिति में सावधानी ही एकमात्र बचाव है। सैनिटाइजर व मास्क का इस्तेमाल अत्यंत आवश्यक है। श्रीमती वाजपेयी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी लगातार पूरे संसदीय क्षेत्र में क्षेत्रवासियों को सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा दिया है। क्षेत्र के संपूर्ण विकास का जिम्मा उठाई हुई है, उनकी नज़र लगातार क्षेत्रवासियों पर बनी हुई है। पूरे क्षेत्र में मास्क व सैनिटाइजर खाद्य सामग्री का वितरण किया जा चुका है। अभी भी जरूरतमंद लोगों की मदद का क्रम निरंतर प्रगति पर बना हुआ है। इसी क्रम में वृद्धाश्रम में सैनिटाइजर का वितरण किया गया। श्रीमती वाजपेयी द्वारा स्वनिर्मित मास्क का भी वृद्धाश्रम में वितरित किया गया। वहीं आई फाउंडेशन द्वारा भी बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाई गई। इस अवसर पर आश्रम की केयर टेकर नीतू वर्मा, रंजना यादव, मनीष शुक्ला व HAL यूनियन के अध्यक्ष विनय वाजपेयी आदि सम्मानित व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम में सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा गया। अमेठी शैलेश तिवारी की रिपोर्ट।